हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वायरस यूनिट का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में मैं इस यूनिट को कंप्लीट कर दूंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगी। ये यूनिट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी ज़रूर देखिए। और वो देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगी वो है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, वायरल लाइक पार्टिकल्स, वायरस का इम्पोर्टेंस और उसका डिसएडवांटेज सब कुछ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसका बेनिफिट सब कुछ पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। तो वायरस का दो टाइप्स होता है, जनरल टाइप्स दो होता है, एक तो डीएनए वायरस होता है और एक आरएनए वायरस होता है। अब डीएनए वायरस नाम से ही समझ आता है कि ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए वायरस। और ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसे कहते हैं आरएनए वायरस। और डीएनए वायरस को अब डिटेल में देखा जाए तो डीएनए वायरस में भी दो टाइप्स होता, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और दूसरा होता डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस वो होता है जिसका जीनोम में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और डबल स्ट्रैंडेड जिसके जीनोम में सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का जीनोम बहुत छोटा होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जीनोम वेरी करता है साइज़ टू साइज़, मतलब कभी छोटा भी हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है उसका जीनोम का साइज़। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा आज तक कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस नहीं है जो कि हायर प्लांट्स को इन्फेक्ट करता हो, अभी तक कोई भी ऐसा डीएनए वायरस डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, और ज़्यादातर जो वायरस है डीएनए वायरस वो बैक्टीरियोफेज है, 95% ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, मतलब उसका जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता। जो बड़ा बड़ा डीएनए वायरस होता ना, जो कि बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोट सबको इफेक्ट करता, उसका मतलब जितना भी डीएनए वायरस है, लार्ज डीएनए वायरस है जो बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट्स को इफेक्ट करता, वो सब का डीएनए पॉलीमरेज का टाइप, उसका कैप्सिड स्ट्रक्चर, उसका कैप्सिड असेंबली सबका सिमिलर रहता। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए डीएनए वायरस का एक एग्जांपल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टी फेज वायरस, जो कि एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आता है कि कुछ कुछ बैक्टीरियोफेज का टेल नहीं होता, कुछ कुछ का टेल होता, कुछ का सिर्फ आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता, मतलब सिर्फ उसका जो ऊपर का आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है, जो हेड स्ट्रक्चर है वही रहता, तो ऐसा उसका टाइप्स है। तो ये जो टी फेज वायरस है वो जिसका हेड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का होता और उसका जो बॉडी है उसमें टेल होता और टेल शीथ होता, फिर ऐसा मतलब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है, जैसा स्क्रीन में आता है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसमें हेड, कैप्सिड, डीएनए, कॉलर, फिर उसके बाद ऐसा। तो टी फेज में भी T1 to T7 फेजेस होता, और वो जो टी है वो स्टैंड्स फॉर टाइप, मतलब T1 to T7 वायरस है ये। ठीक है, बैक्टीरियोफेज है। तो टाइप मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं, मोस्टली जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं, T4 और T7 है, T4 और T7, जो कि दोनों ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। T4 भी ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है और T7 भी ई कोलाई को इन्फेक्ट करता। और टी फेज जो वायरस है उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, जो कि क्लास 1 ऑफ वायरस में बिलोंग करता। ठीक है, तो मतलब हम लोग पिछला वीडियो में, इसका पिछला पार्ट में हम लोग क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक पढ़े थे ना, तो वो जो 7 क्लासेस है उसमें क्लास 1 में बिलोंग करता है टी फेज ऑफ वायरस। ठीक है, टी इवन फेजेस मतलब T2, T4, T6 जो इवन नंबर वाला फेजेस रहता है उसको लाइटिक फेजेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है उसको हमेशा ख़त्म कर देता, किल कर देता, जब लाइस करके उससे बाहर निकलता ना, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता, फिर वहाँ में रेप्लिकेट करता, रेप्लिकेट करके जब बैक्टीरिया से बाहर निकलता लाइस करके उसको काट के, तो उसको किल कर देता, इसीलिए उसको लाइटिक फेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब T2, T4 और T6 वायरस को। फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेजेस या फिर टी फेज का अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो
इसका टैडपोल का तरह स्ट्रक्चर रहता, जिसका हेड होता, टेल होता और उसका शॉर्ट एक कॉलर होता जो हम बोली थी आप लोग को। फिर उसके बाद उसका हेड में जो आइकोसाइडल सिमेट्री का होता उसमें 2000 कैप्सूमर्स होता। कैप्सूमर्स क्या है उसका वीडियो भी पार्ट टू में है, वो भी आप देख लीजिए। और वो जो कैप्सूमर्स है वो मिलकर आइकोसाइडल सिमेट्री फॉर्म करता। ये जो आइकोसाहेड्रल हेड है उसी के अंदर क्लोजली पैक्ड रहता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि 50 नैनोमीटर का रहता, बहुत छोटा रहता। फिर उसके बाद उसका जो टेल है वो उसमें एक टेल शीथ होता जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर का होता। फिर उसके नीचे एक बेसल प्लेट होता और टेल फाइबर होता, टेल फाइबर जो कि पैर की तरह दिखता लेकिन वो टेल फाइबर होता। फिर उसके बाद और जैसा कि हम बोली कि टेल शीट जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर का होता, तो उसका बीच में एक हॉलो ट्यूब रहता। मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर में देखे है ना हॉलो रहता बीच में, तो वो ऐसा एक हॉलो शीट रहता और उसका बगल बगल 24 एन्यूलर रिंग्स रहता, रिंग्स से वो सराउंडेड रहता। और वही ट्यूब का जो एंड है उसका एंड में रहता बेसल प्लेट, और बेसल प्लेट का बाद हर एक कॉर्नर में 6 लंबा लंबा फ्लेक्सिबल टेल फाइबर रहता, जो कि उसका पैर की तरह लंबा लंबा दिखता, फ्लेक्सिबल टेल फाइबर रहता। फिर वो जो टेल फाइबर है उस वो क्या में हेल्प करता, बैक्टीरियोफेजेस को अटैच करने में हेल्प करता, दूसरा बैक्टीरियाज में वो अटैच करता ना वो वायरस, बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियाज में अटैच करता, तो वह अटैचमेंट में क्या हेल्प करता, टेल फाइबर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आरएनए वायरस। ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसे क्या कहते हैं, आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस के सर्वाइवल में एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि होस्ट का सेल का जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है और आरएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, तो वो जो होस्ट का सेल है वो तो रेप्लिकेट सिर्फ डीएनए को करेगा, आरएनए को तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो आरएनए वायरस करे क्या कि वो खुद रेप्लिकेट हो पाए। और होस्ट का सेल में ये भी मशीनरी है कि डीएनए को मैसेंजर आरएनए में वो ट्रांसक्रिप्शन कर लेता, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाने का तो कोई मशीनरी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि वो आरएनए वायरस करता क्या अपना रेप्लिकेशन को फॉरवर्ड टेक फॉरवर्ड करने के लिए। तो आरएनए वायरस को जो रेप्लिकेट करता वो है वायरल एंजाइम रेप्लिकेस, ठीक है। तो आरएनए वायरस के पास वो एंजाइम पहले से नहीं होता है, वो अपने जीनों में वो एंजाइम का कोड को लेके आता है, फिर उसके बाद वो एंजाइम को होस्ट का सेलुलर मशीनरी की हेल्प से सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो अभी देखो वो एंजाइम सिंथेसाइज हो गया, तो वो एंजाइम फिर आरएनए का रेप्लिकेशन करता, ठीक है, वायरल आरएनए का रेप्लिकेशन करता। और एक तरीका का वायरस होता जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल के एक एंजाइम होता, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता, वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता, जो कि फिर उसके बाद वो डीएनए का रेप्लिकेशन करता होस्ट सेल। दो चीज़ होता है, एक या तो रेप्लिकेस होता है या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये दोनों एंजाइम के बारे में हम लोग पिछला पार्ट में पार्ट टू में पढ़े हैं, आप लोग वो वीडियो रेफ़र कर लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये दो एंजाइम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद तो अभी हम लोग टोबैको मोजाइक वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में टोबैको मोजाइक का बारे में पढ़ा जाए तो उसका तो हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर्ड हुआ था डिमित्री इवानोस्की से, और फर्स्ट वायरस जिसको क्रिस्टलाइज करा था वेंडल स्टैनली, वो कौन सा वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये भी हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि कैसा इसका डिस्कवरी हुआ, क्यों इसको क्रिस्टलाइज करे, ये सब हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। फिर उसके बाद टोबैको मोजाइक वायरस कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करता, टोबैको को करता, और भी प्लांट्स को करता, जैसे टोमेटो, पेपर, ऐसा बहुत सारा प्लांटेशन को डैमेज कर देता टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। तो अभी सोचते होंगे आप लोग कि टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो तो प्लांट को इन्फेक्ट करता, और प्लांट में तो इतना बड़ा सेल वॉल होता, तो सेल वॉल होता तो वो उसके अंदर घुसता कैसा। जो प्लांट सेल वॉल है ना उसको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ डैमेज किया होगा तभी वो वायरस का एंट्री हुआ होगा। वो या तो कोई इंसेक्ट की वजह से होता या फिर कुछ भी वजह से प्लांट का सेल वॉल जब डैमेज होता तो तब टोबैको मोजाइक वायरस का एंट्री हो जाता लीफ के अंदर। लीफ के अंदर
एंट्री होने के बाद वो क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करता, जिसका वजह से उसका क्लोरोफिल का लॉस हो जाता और वो जो लीफ है वो येलो येलो कलर का हो जाता। ऐसा जो डिजीज़ जो प्लांट में होता है जिसका वजह से लीफ का फॉल हो जाता, लीफ येलो येलो हो जाता, ख़राब हो जाता, उसको क्या बोलते हैं, टोबैको मोजाइक डिजीज़। ठीक है, और वो क्या की वजह से होता है, टोबैको मोजाइक वायरस की वजह से होता। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि येलो क्रोमेटिक इन्फेक्टेड लीजन अट्रैक्ट अल्टरनेटिंग विद ग्रीन रीजन्स, द मोजाइक डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ मिक्सड लाइट ग्रीन एंड येल्लो पैचेज ऑन लीव्स बाय मेकिंग अ मोजाइक पैटर्न। मतलब ऐसा पैचेज आ जाता है लीव्स में जिससे मोजाइक का एक पैटर्न हो जाता है, इसलिए उसका नाम टोबैको मोजाइक डिजीज हुआ। और कौन सा वायरस से होता है, टोबैको मोजाइक वायरस से। तो टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। उसका स्ट्रक्चर में देखा जाए तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो कि फोर्थ क्लास में आता। फोर्थ क्लास जब हम सेवन क्लास पढ़े थे उसमें से फोर्थ क्लास में आता जिस। और टोबैको मोजाइक वायरस का सिमेट्री देखा जाए तो वो हेलिकल सिमेट्री का होता, और इसका जो लेंथ देखा जाए तो 300 नैनोमीटर रहता, और इसका जो डायामीटर, जो बीच का जो उसका हॉलो है उसका डायामीटर होता है 15-17 नैनोमीटर। ठीक है, तो उसका जो बीच का ट्यूब है वो हॉलो होता और उसका सराउंडेड बाय वो प्रोटीन कैप्सूमर से सराउंडेड रहता, जो कि हेलिकली अरेंज रहता है एक सेंट्रल कोर का अराउंड, एक सेंट्रल कोर का अराउंड वो हेलिकली अरेंज रहता। और वो जो टीएमवी का कंप्लीट रॉड है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें 2130 कैप्सूमर्स रहता और 16 हर एक हेलिक्स में, हर एक राउंड में 16 कैप्सूमर्स रहता। मतलब हर एक राउंड में 16 कैप्सूमर्स करके 2130 कैप्सूमर्स रहता। और उसका सब यूनिट प्रोटीन जो है कैप्सिड का, वो जो कैप्सिड है उसका जो सब यूनिट प्रोटीन है अलॉन्ग विथ आरएनए, आरएनए के साथ जो कैप्सिड है वो एक क्लोज स्फेरिकल शेप बनाता और टीएमवी में एक्सटर्नल एनवेलप नहीं होता। ठीक है, इसका जो जीनोम है उसमें 6395 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होता, इसका 5' एंड में कैप होता और इसका 3' एंड में फोल्ड होके टीआरएनए का तरह एक स्ट्रक्चर होता। ठीक है, इसका 3' एंड में फोल्ड करके टीआरएनए का तरह एक स्ट्रक्चर होता। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो वायरस लाइक पार्टिकल्स या फिर वायरल लाइक थिंग देखा जाए तो उसमें दो टाइप्स होता, वायरस की तरह ही होता। टू टाइप्स ऑफ सच वायरस लाइक एजेंट स्टडीड सो फार आर वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। अभी आप लोग सोचेंगे वायरस के बारे में इतना पढ़ लिया, अभी ये सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, ये दोनों के बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इसका ऊपर ऊपर से मैं बता दूंगी कि ये क्या होता है। तो वायरॉइड्स के बारे में देखा जाए तो हम लोग सोचते थे ना अब तक कि वायरस सब में छोटा है, माइक्रोब है जो कि इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो नहीं, वायरस से भी छोटा एक कंटेंडर है जिसका नाम है वायरॉइड। वायरॉइड क्या करता, वो भी प्लांट में डिजीज़ कॉज करता, और इसमें स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता, उसमें कोई भी तरह का प्रोटीन और कैप्सिड नहीं होता, इसीलिए उसको वायरॉइड बोलते। तो इसका अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो पार्टिकल्स विद अ स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन और कैप्सिड आर कॉल्ड वायरॉइड। इसमें कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होता, कोई कैप्सिड नहीं होता, फिर भी इसका आरएनए को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता, और ये अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चल जाए तो उसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाता, मतलब मार नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बहुत टाइट है, जिसकी वजह से उसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाता, कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता, और वो रॉड का तरह दिखता, दे लुक्स लाइक रॉड। और वायरॉइड जो है वो क्या क्या कॉज करता, प्लांट डिजीज़ जैसा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, टोमेटो सिट्रस एक्सकोकॉर्टिस और कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ऐसा बहुत सारा प्लांट डिजीज़ कॉज करता है वायरॉइड। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये भी लिंक किया गया है कि वायरॉइड्स की वजह से ही हेपेटाइटिस डी डिजीज़ होता,
ठीक है, तो नेक्स्ट देखा जाए तो प्रायोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रायोन्स क्या है? वो प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट सब नहीं रहता था और प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है वो, जिसमें कि ना डीएनए होता ना आरएनए होता, उसके पास सिर्फ प्रोटीन होता। और आप लोग सोचते होंगे कि प्रोटीन तो अच्छा है, लेकिन नहीं, प्रायोन्स प्रोटीन से इन्फेक्शन होता, डिजीज़ होता। ये जो प्रोटीन है इसकी वजह से क्या होता कि होस्ट अपना अंदर ही एबनॉर्मल प्रोटीन क्रिएट करने लग जाता, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होता एनिमल्स और ह्यूमंस में। ये प्रायोन्स प्रोटीन की वजह से होस्ट क्या करता, अपने अंदर ही एबनॉर्मल प्रोटीन क्रिएट करने लग जाता, जिसकी वजह से सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होता एनिमल्स और ह्यूमंस में वो। और ये स्प्रेड भी होता, प्रायोन्स कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द नॉर्मल वर्जन ऑफ द प्रोटीन एंड कॉजेज द नॉर्मल प्रोटीन टू चेंज शेप। मतलब वो अगर नॉर्मल प्रोटीन का कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका भी शेप को चेंज करेगा। प्रायोन्स सबसे रेजिस्टेंट है, उसको ना केमिकल मार सकता, ना फिजिकल ट्रीटमेंट, ना हीट, ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ना फॉर्मेल्डिहाइड, कुछ भी चीज़ उसको नहीं मार सकता। मतलब वो बहुत ताकतवर है। फिर प्रायोन्स से और एक डिजीज़ होता है मैड काउ डिजीज़, उसको उसका और एक नाम है बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, जिसकी वजह से हम लोग काउस का जो ब्रेन है वो स्पॉन्ज की तरह दिखने लग जाता। और प्रायोन्स की वजह से और भी कंडीशंस होता जिससे नर्वस सिस्टम में इफ़ेक्ट होता। तो सोचो ये कितना डेंजरस है, वो ब्रेन का फंक्शन को ख़राब कर देता और हम लोग का मेमोरी को कॉजिंग चेंज इन मेमोरी, हम लोग का मेमोरी चले जाता, हम लोग कुछ याद नहीं रहेगा। फिर पर्सनालिटी एंड बिहेवियर सब कुछ चेंज कर देता। तो इसीलिए प्रायोन्स है तो छोटू सा एक प्रोटीन ही है, बस एक छोटू सा, लेकिन बहुत डैमेज देता। और सोचो मतलब माइक्रोब्स का भी कितना पावर है कि वो इंसान का मेमोरी, उसका पर्सनालिटी, उस सब कुछ चेंज कर सकता। तो सोचो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इससे सब बच के रहे, बस सेफ रहे बस सब। तो वायरस ऐसे ही हम लोग को बहुत परेशान करके रखा है, कोरोना वायरस। और अब ऐसा प्रायोन्स के बारे में पढ़ने के बाद पता चलता है कि माइक्रोब्स कितना हार्मफुल है हमारे लिए। तो बस सेफली रहे हम सब। और प्रायोन्स से और एक डिजीज़ होता है जैकब डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि वो ह्यूमंस में ही होता है और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से, और एक साल के अंदर ही डेथ हो जाता है पर्सन का। वो फेटल डिजीज़ है जिसकी वजह से डेथ हो जाता है, ये भी प्रायोन्स की वजह से होता है। तो ये भी बहुत हार्मफुल है, वायरॉइड्स प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। और वायरॉइड्स की वजह से हेपेटाइटिस डी भी हो रहा है। अभी रिसेंटली ये रिसर्च से पता चला है कि वायरॉइड्स की वजह से हेपेटाइटिस डी भी हो रहा है। तो वो ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है, प्रायोन्स भी बहुत हार्मफुल है, वो तो ब्रेन का पूरा फंक्शन को ही चेंज कर देता। तो वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स सब हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन अब हम कुछ इम्पोर्टेंस भी देख ले, वायरस का थोड़ा सा बेनिफिट भी पढ़ ले। तो पहले बेनिफिट्स पढ़ लेते, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, फिर उसका इकोनॉमिक लॉसेस भी देख लेंगे। तो पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखते हैं। तो वैक्सीन का प्रोडक्शन में हेल्प करता वायरस। कैसे हेल्प करता? वैक्सीन के प्रोडक्शन में कुछ इस तरह हेल्प करता कि वायरल डिजीज़ जो है ना उससे हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता वैक्सीन। तो और हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता वैक्सीन, वायरल डिजीज़ से इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता वैक्सीन। कैसे करता कि वो वैक्सीन में ना किल्ड या फिर ऐसा वायरस जिसके जेनेटिक मटेरियल को निकाल देते और सिर्फ उसका कैप्सिड, उसका एंटीजन रहता, वैसा वायरस को ही किल करके, सप्रेस करके, वीक करके ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करते। तो इसीलिए वैक्सीन का प्रोडक्शन में ही, मतलब वायरस को मारने के लिए वायरस का ही हेल्प लेते। तो इसीलिए वैक्सीन के प्रोडक्शन में वायरस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर उसके बाद जीन थेरेपी, जो कि जीन थेरेपी, जैसा कि आप लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पढ़े होंगे, जो कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज़ होता, वो सब में हम लोग को वायरस हेल्प करता। क्यों? क्योंकि जीन ऐसा जगह है डीएनए का जो कि
कोड करता आरएनए और प्रोटीन के लिए, जीन ही कोडिंग करता ना आरएनए और प्रोटीन के लिए, तो जो डिफेक्टिव जीन है वो डिफेक्टिव कोड करेगा जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होता। तो जीन थेरेपी में क्या होता, जो फंक्शनल जीन है उसका इंट्रोडक्शन होता ह्यूमन सेल में, किसकी मदद से इंट्रोडक्शन होता, वायरस की हेल्प से ही जीन का इंट्रोडक्शन होता, तो इसीलिए वायरस यहाँ पे भी हेल्प होता। और कैंसर थेरेपी, कुछ कुछ वायरस कैंसर थेरेपी में भी हेल्प करता और ऐसा वायरस को ऑन्को वायरस बोलते और वो कैंसर से प्रिवेंट करता और उसका यूज़ एंटी कैंसर वायरस की तरह होता। और एक यूज़ है उसका कि बैक्टीरियोफेज थेरेपी में, तो बैक्टीरियोफेज के बारे में जो ई कोलाई में वेक्टर्स का यूज़ होता, बैक्टीरियोफेज थेरेपी में भी वायरस का यूज़ होता कि बैक्टीरिया को खा लेता वो वायरस, बैक्टीरियोफेजेस क्या करता बैक्टीरिया को खा लेता, तो बैक्टीरियल जो डिजीज़ है जैसा कि स्टेफाइलोकॉकल का ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरियोफेज का हेल्प हुआ, जो कि ई कोलाई को खा लिया और उसके बाद वो डिजीज़ से बचा लिया, मतलब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से लड़के ह्यूमन को वो डिजीज़ से बचा लिया। तो ऐसा प्रोसेस को, ऐसा ट्रीटमेंट को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज थेरेपी। फिर रोल ऑफ वायरस, वायरस रिसर्च में भी हेल्प करता, वायरस का और एक इम्पॉर्टेंस है कि वो रिसर्च में भी हेल्प करता, वो क्योंकि वो तीनों डोमेन ऑफ लाइफ बैक्टीरिया आर्किया और यूकैरियोटा तीनों को इन्फेक्ट कर पाता, इसीलिए वायरस के पास एक एबिलिटी है कि उसको होस्ट का मतलब कोई भी सेल का जेनेटिक कंटेंट में डाल सकते, तो उसको वेक्टर की तरह यूज़ करते। तो वेक्टर की तरह यूज़ कैसा करते कि अपना डिज़ायर्ड डीएनए को अगर हम लोगों को कोई सेल में डालना है तो वो हम लोग वायरस के हेल्प से करते। तो उसमें कौन सा वायरस यूज़ करते, बैक्टीरियोफेजेस यूज़ करते जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, फिर उसके वेक्टर की तरह और भी वायरसेस को यूज़ करते वेक्टर की तरह, मतलब साइंटिस्ट के लिए बहुत यूज़फुल भी है वायरस। ठीक है, वायरस के हेल्प से कुछ कुछ डिजीज़ का डायग्नोसिस भी हो जाता, डायग्नोसिस की टेक्निक्स में भी वायरस का यूज़ होता है, जैसे सदर्न ब्लॉटिंग, क्लोनिंग, डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग, ये सब में वायरस का यूज़ होता। ठीक है, वायरस का कैसा यूज़ होता, उसको वेक्टर का तरह यूज़ करते। फिर उसके बाद वायरल बायोपेस्टिसाइड्स भी बनाते कि जो बैक्टीरिया की वजह से जो डिज़ीज़ होता उसके खिलाफ बैक्टीरियोफेजेस का हेल्प लेके पेस्टिसाइड्स बनाते प्लांट्स में छिड़कते, ताकि जो बैक्टीरियल जितना कुछ डिजीज़ हुआ है अगर प्लांट को, तो वो वायरस बैक्टीरियोफेजेस क्या करे, वो बैक्टीरिया को किल कर दे। ठीक है, तो ये सब में उसका यूजेस होता है, उसका बेनिफिट्स है ये सब। अब उसका लॉसेस देखा जाए तो प्लांट डिजीज़ होता जिसकी वजह से क्रॉप सारा डैमेज हो जाता, जो किसान लोग हैं उन लोगों को पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता, फिर उसके बाद अगर डिजीज़ हो गया तो भी प्लांटेशन में बहुत नुकसान होता, तो बहुत सारा पैसा खर्चा करके उनको पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ता ताकि कीड़ा मकोड़ा ना आए और प्लांट में वायरस की एंट्री ना हो पाए। तो ये सब के लिए बहुत सारा इकोनॉमिक लॉसेस होता, नुकसान होता क्रॉप्स का। और कुछ डिजीज़ का नाम देखा जाए तो टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो वायरस, कॉलीफ्लावर वायरस और मोजाइक वायरस ऑफ कुकुम्बर, लेटस, येलो डिजीज़ ऑफ पोटैटो, टोमेटो, ये सब क्या की वजह से होता, वायरस की वजह से होता। फिर उसके बाद एनिमल डिजीज़ को देखा जाए तो फूट और माउथ डिजीज़ जो कि कैटल, बफलोज, गोट्स में होता, उसकी वजह से बहुत लॉस होता, जो मिल्क का बिजनेस करते गाय भैंस पालते उनको बहुत नुकसान होता। फिर उसके बाद और एक पिकोरना वायरस है जो कि कैटल्स में होता, क्लोवन फूट वायरस है जो कि कैटल्स बफलोज में होता, वैसे सब डिजीज़ की वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉसेस होता वैसे लोगों को जो मिल्क का बिज़नेस करते या फिर मीट का बिज़नेस करते या फिर कुछ भी वैसा कुछ। ठीक है, और एक एक एनिमल डिजीज़ होता जो कि बर्ड फ्लू, जिसकी वजह से जितना भी चिकन है उस चिकन का जितना भी बिज़नेस करते उनको भी नुकसान होता,
वैसे बहुत सारे डिजीज़ होता है वायरस की वजह से, रेबीज़, बोवाइन वायरल डायरिया, न्यूकैसल डिजीज़ इन पोल्ट्री, पोल्ट्री में होता है, ऐसा बहुत सारे डिजीज़ की वजह से बहुत नुकसान होता है एनिमल्स में। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ह्यूमन वायरल डिजीज़, ह्यूमन वायरल डिजीज़ में देखा जाए तो एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, सो एंड सो, और लास्ट में जो मेन हम लोग को बहुत परेशान किया वो है कोरोना वायरस। तो ऐसा बहुत सारा वायरस है, इबोला वायरस, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ एक टाइम पे, अभी रेस्पिरेटरी वायरस, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से भी बहुत जान गया, कितना लाखों लोगों का मौत हुआ कोरोना वायरस की वजह से। तो वायरस बहुत हार्मफुल है, तो हम लोग सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपना वैक्सीन, अगर कोई भी वायरस का वैक्सीन आता है तो ज़रूर लगवा लीजिए, टाइम पे लगवा लीजिए। और अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो वैक्सीन के ऊपर आएगा कि मैं बताऊंगी कि वैक्सीन कैसे वर्क करता है ह्यूमन में, इम्यूनाइजेशन कैसा होता है, वैक्सीन का रोल क्या है, क्यों वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, ये सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। और यहीं पर मैं ये चैप्टर कम्प्लीट करती हूँ, तो स्टे कनेक्टेड, मेरे साथ बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।